नमस्कार बच्चों, आज मैं NCERT बेस्ड एनर्जाइज टेक्स्ट बुक छठी कक्षा के यूनिट 3 की एक कहानी समझदार नन्ही कहूंगी, तो आप गौर से सुनिए। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई, उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी, उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। तो बच्चों देखा, इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। आभार।